रेलवे का सारा अपडेट पाने के लिए, जैसे कि कैंसिल ट्रेन, न्यू ट्रेन और रेलवे का इंटरलॉकिंग और विद्युतीकरण का कार्य जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो अपडेट है, भागलपुर जंक्शन पर नया प्रवेश द्वार का रास्ता साफ हो गया है। नया रास्ता भागलपुर जंक्शन पर कहां पे बनाया गया है, यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। इसके साथ ही भागलपुर पर नए सुविधा एवं रेल बजट के लिए क्या क्या बदलाव किया गया है, यह जानने के लिए यह वीडियो देखें। पटना जंक्शन के तरह भागलपुर स्टेशन पर भी दो प्रवेश द्वार बनाया गया है। जंक्शन के दक्षिण दिशा में नए प्रवेश द्वार बनाने का रास्ता साफ किया गया है। रेलवे ने बाकायदा इसके लिए फंड भी रिलीज कर दिया गया। पहले नए प्रवेश द्वार निर्माण कार्य के लिए 8,000 करोड़ खर्च होने थे, अब राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दी गई है। राशि स्वीकृति होने के बाद नए प्रवेश द्वार पर निर्माण कार्य अगले महीने शुरू हो जाएगा और जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल जंक्शन पर एक ही प्रवेश द्वार होने के कारण दक्षिण इलाके के शिवपुरी कॉलोनी, मिर्जान हाट, बबरगंज, सिकंदरपुर, अलीगंज, मुजाहिदपुर इलाके में रहने वाले करीब 4 लाख लोग को ट्रेन पकड़ने के लिए उल्टा पुल होकर आना पड़ता है। ऐसे में लोगों को ट्रेनें भी छूट जाती है। साथ ही लोगों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने नए प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय लिया है। मार्च 2020 से पहले नए प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो जाएगा। 2 साल पहले शुरू हुई थी कवायद। दक्षिण तरफ प्रवेश द्वार बनाने की कवायद वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। इसके लिए वर्ष 2018 से 2019 के आम बजट में राशि की भी स्वीकृति की गई थी, पर काम शुरू नहीं हो सका। इसलिए 1 जुलाई को पेश हुए आम बजट में रेलवे ने फंड की स्वीकृति दे दी है। RPF बैरक के रास्ते से बनेगा गेट। दक्षिण तरफ स्थित RPF बैरक के रास्ते में नए प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाएगा। यहां बने क्वार्टरों को हटाया जाएगा और पूर्वी फुट ओवर ब्रिज को नए प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ाया जाएगा। जगह कम होने की वजह से रास्ता में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। यह रास्ता सिर्फ यात्रियों के आने जाने के लिए होगा। टिकट काउंटर खुलने से दबाव होगा कम। भागलपुर जंक्शन के दक्षिण छोर पर 2 नए टिकट काउंटर बनाने की भी तैयारी की गई है। काउंटर बनने के बाद दर्जनों मोहल्ले के लोगों को राहत मिलेगी। करीब 4 लाख की आबादी को इस नई सुविधा से सहूलियत मिलेगी और टिकट काउंटर बनने के बाद मुख्य टिकट काउंटर पर यात्रियों का दबाव कम हो जाएगा। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।